Just look at the beauty. Oh, what a beauty, man. What a beauty. इधर पे देखो, उधर पे देखो, चारों तरफ ये तीस्ता नदी का एक ब्रांचेस है. गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नया व्लॉग में आपका स्वागत है. मैं हूँ आज रोलप में. इस सिक्किम के बहुत ही फेमस और अब भी ट्रेवल डेस्टिनेशन है. सामने से बह रहे हैं नदी और ये पहाड़ों के बीच में ये खूबसूरत सा गांव. तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोलप का थोड़ा सा साइट सीन करने के लिए. अगर आप रोलप में आ रहे हो, क्या क्या जगह देखना है, कहाँ पर जाओगे, कैसे जाओगे, कितना खर्चा होता है, वो इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलेगा. तो पहले जा रहे हैं रोलप हैंगिंग ब्रिज को देखने के लिए. तो चलिए गाइस, मेरा गाड़ी है रेडी, लेट्स मूव ऑन. यह है रोलेप हैंगिंग ब्रिज. जस्ट लुक एट द एंटायर सीनरी. यहाँ पर पूरा झूल रहा है ये ब्रिज. ब्रिज के ठीक ऊपर आप चलोगे तो कैसा महसूस हो दिखाता हूँ. माई गॉड, माई गुडनेस, यस, ये क्वाइट सॉलिड है. ब्रिज के ऊपर से आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा नज़ारा. नीचे से बह रहा है नदी और ये पूरा पहाड़ों के बीच में ऐसा लग रहा है आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, फीलिंग अमेजिंग मैन. रोलेप एक ऑब्वियस ट्रेवल डेस्टिनेशन है. लोग गैंगटॉक में जाते हैं, सभी जगह पे जाते हैं. बट अगर सिक्किम में आकर, इस सिक्किम में कुछ अलग से करना चाहते हो तो रोलेप कुड बी अ डिफरेंट डेस्टिनेशन. तो गाइस, रोलेप कहाँ है? रोलेप है एग्जैक्टली जो रंगली बाज़ार है. इस सिक्किम का एक छोटा सा बाज़ार रंगली बाज़ार, बहुत फेमस बाज़ार है. छोटा है बट फेमस है. रंगली बाज़ार के एकदम पास में ही है ये छोटा सा कस्बा, छोटा सा गाँव रोलेप. होमस्टे का वीडियो मैंने दिखाया, आगे पीछे आएगा, देख लो. रोलेप का होमस्टे, सस्ता टिकाऊ होमस्टे. और साइट सीन में आप यहाँ पर आ सकते हो. जस्ट लुक एट द ब्यूटी. ओह, व्हाट अ ब्यूटी मैन, व्हाट अ ब्यूटी. इधर पे देखो, उधर पे देखो, चारों तरफ ये तीस्ता नदी का एक ब्रांचेस है. माय गुडनेस, ये पूरा हिल रहा है. मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये पूरा मूव कर रहा है. शी इज शेकिंग, इट इज शेकिंग मैन. इट्स अमेजिंग, अमेजिंग, फीलिंग सो ग्रेट. तो चलिए आगे चलते हैं. और डर डर भी लग रहा है थोड़ा सा. नीचे से देखो, यहाँ से नीचे से भी दिखाई दे रहा है. एक्चुअली यहाँ पर आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ पर आओ, घंटों स्पेंड करो, यू विल फील गुड फ्रॉम हेयर. दिल से आपको खुशी मिलेगी. रोलेप रॉक्स भाई. रोलेप में मैं सिर्फ एक दिन में नहीं, एक दिन के लिए आया हूँ. अभी थोड़ा सा पछतावा हो रहा है. यहाँ पर अगर दो दिन के लिए रहता तो भाई परफेक्ट होता. जस्ट नदी का बहाव देखो, नदी का बहाव देखो. लुक एट द फ्लो ऑफ द रिवर, लुक एट द फ्लो ऑफ द रिवर, इट्स अमेजिंग. चलो अभी ब्रिज को थोड़ा सा क्रॉस करते हैं. यहाँ पर भी होमस्टे है, एकदम नदी के सामने, इतना खूबसूरत जगह में यहाँ पर भी होमस्टे है. और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ, बहुत लोग यहाँ पर बिहार से भी है, बहुत लोग बंगाल से भी है. मीन्स आप बिहार के लोग भी होमस्टे मिलेगा, लोगों के लिए भी बिहार के लोगों का ही होमस्टे मिल सकता है, बंगाली लोगों का भी होमस्टे मिल सकता है. दीज ऑल आर द होमस्टे इज भैया. ओके, इट इज़ अ होमस्टे भैया. इज इट अ होमस्टे? लोकल लोकल. ओके, ये होमस्टे है ना, ये होमस्टे है. ये रिवर बैंक होमस्टे, फूडिंग लॉजिंग, रोलेप नियर हैंगिंग ब्रिज ईस्ट. यहाँ पर देखो, ये होमस्टे भी रहता था. अरे यार, मुझको पता होता तो यहाँ पर भी मैं रहता. अमेजिंग, अमेजिंग. आप लोग देख लो, मैं तो रह नहीं पाया. रिवर बैंक होमस्टे, फूडिंग एंड लॉजिंग, रोलेप नियर हैंगिंग ब्रिज ईस्ट सिक्किम. मोबाइल नंबर देखो दिया गया है यहाँ पर. यह है एक. चलो यार, यहाँ पर अगर इस होमस्टे में रहकर यहाँ पर दोपहर का लंच, रात का डिनर करते हुए अगर ये पूरा सीन को अगर
एंजॉय नहीं किया तो क्या किया? क्या लग रहा है यार, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, फीलिंग ग्रेट। तो चलिए इस पूरे जगह का कुछ एक्सक्लूसिव सिनेमेटिक वीडियो देख लो। सिनेमेटिक वीडियो कैसे होता है मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट आई विल ट्राई फॉर यू ऑल। हैंगिंग ब्रिज से एकदम साइड से एक छोटा सा रास्ता है, यहाँ से नीचे तक जाना है एकदम नदी किनारे, तो यहाँ पर जाना भी एक बहुत चैलेंज है। तो चलिए पहुँचते हैं वहाँ पर। नदी के किनारे यहाँ पर देखो बाली, तो सैंड को छानने का काम चल रहा है। एक्चुअली सिक्किम में बालू का दाम, सैंड का दाम बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसलिए लोग यहाँ पर नदी किनारे पत्थर को अलग कर रहे हैं और इससे सैंड को बाहर निकल रहे हैं। तो देख सकते हो बहुत ही मेहनत वाला काम है यहाँ पर। बंगाल का भी कुछ यहाँ पर ज़्यादा लोग कहाँ से आते हैं? कोलकाता से, कोलकाता बिहार से, कोलकाता बिहार और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का। ये एक्चुअली इस जगह तो रोलेप है ना, रोलेप, रोलेप ये गांव का नाम है क्या? हाँ ये गांव का नाम होगा। कौन रोम है? रोल है रंगुल। ओके ओके दैट्स फाइन। सो आपने सुना ये इस अमेजिंग फैक्ट, यहाँ पर देख सकते हो काम भी चल रहा है। काम का मतलब पत्थर को यहीं से ढूंढ कर निकाला जा रहा है, इसे बाली निकाला जा रहा है और पत्थर को भी रोक लेकर जा रहे हैं। राइट, सभी थोड़ा पानी के पास चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। नाइस नाइस नाइस, अमेजिंग। सो दिस इज द नाइसेस्ट प्लेस एवर आई हैव सीन। कुछ ऐसा जगह होता है जिस जगह को छोड़ने का दिल तो नहीं करता है जाने के लिए, बट क्या करें, देखो कितना खूबसूरत जगह है, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो नीचे ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट स्पेंड करने के बाद अभी यहाँ से निकलना है, फिर से जाना है ऊपर इसी रास्ते से। सुबह सुबह के टाइम, सुबह के 8:30 है, इतना खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करते हुए जा रहा हूँ। फीलिंग अमेजिंग मैन, अमेजिंग। जितना भी तारीफ करूँ वो कम है। तो भाई सिक्किम ऑफबीट जिंदाबाद, सिक्किम गैंगटॉक पे जाओ, सभी जगह पे जाओ, ऐसे जगह पे भी आओ जिसमें रियल सिक्किम बैठता है, जहाँ जस्ट देखो लुक एट द ब्यूटिफुल सीन मैन। चलो भाई गुड बाय गुड बाय गुड बाय नेचर, लव यू। सब कुछ देख लिया, जान लिया, समझ लिया, फील कर लिया, महसूस करने के बाद अभी यहाँ से निकलना है। सो गाइस अमेजिंग, फीलिंग ग्रेट। भाई रोलेप है एकदम रंगली बाजार से पास, रंगली बाजार आ जाओ, यहाँ का होम स्टे किसी साइड में रोलेप में बुक कर लो। रोलेस ये हैंगिंग ब्रिज के आसपास का ही कोई होम स्टे बुक करना, राइट? तो कौन सा होम स्टे बुक करें, होम स्टे का वीडियो तो मैंने डाल दिया है और डालने वाला हूँ कल, देख लो आगे एक दिन और दो दिन आगे पीछे होगा। जिस होम स्टे मैं रह रहा हूँ, तो ये जो होम स्टे मैंने वहाँ पर दिखाया उसको भी कॉल करके अगर आ रहे हो बुक कर सकते हो, और मेरा वाला होम स्टे में बुक कर सकते हो, ऑल अप टू यू। सस्ता, टिकाओ एंड बहुत ही खूबसूरत सा ये जगह है। सो गाइस
ओह चलते चलते मैं इस रिवर साइड, इस साइड में भी एक ब्रिज है ये गाड़ी कार जाने के लिए। तो ब्लॉग के ऊपर ख़त्म करते हो, सब एंजॉयड, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ज़रूर भूलना, लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।